और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे वो स्कूल है, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 किलोमीटर पैदल चल के वो जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या क्या परेशानियाँ आती है बच्चों को? ठंड में पैदल जाता है आता है, मुश्किल है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि ठंड में, और ठंड में बच्चे उतने दूर पैदल जाते हैं, सोच सकते हैं। ये देखिए, इसको नशे के लिए यूज किया जाता है, ये जो है रूम, इसको नशे के लिए यूज किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सिगरेट पड़े हुए हैं, खैनी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है, तंबाकू वगैरह। क्या लिखा हुआ है? रोहित, दिल में बना के ये रोहित लिखा है। ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल ऐसे पड़ा है तो गोबर ही बनेगा स्कूल। जिस तरह से स्कूल गोबर है, उसी तरह से गोबर को भी यहाँ अच्छे तरीके से इस स्कूल में यूज किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टाइम्स मिथिला पर। दोस्तों, हम लोग आज नवगछिया से बहुत दूर आए हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये स्कूल। और इस स्कूल में जब हम लोग आए तो देखा कि हम लोगों ने कि काफ़ी सारे बच्चे घर जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि वीडियो बनाया जाए। ये प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया रुपौली पूर्णिया। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के शिक्षक से और बच्चे सबसे भी। हमारे साथ यहाँ के जो HM है, इस स्कूल के HM है, वो हमारे साथ हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है सर? परमानंद भारती। आप कहाँ से हैं? लक्ष्मीनिया से। यहीं घर हुआ आपका? लोकल हैं आप? जी। तो सर कितने दिन से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? 10-12 साल से। HM कब से? 3-4 साल से। 3-4 साल से। कितने टीचर हैं आज? चार। क्यों? चार क्यों? ये हैं। चार ही हैं यहाँ? चार ही हैं। प्रेजेंट कितने आप लोग? चारों हैं। बच्चे आज कितने प्रेजेंट? लगभग 250। बहुत बच्चा तो निकल गए, देखिए रहे हैं। कितने हैं, कितने प्रेजेंट, मतलब आए थे कितने आज बच्चे? लमसम 200 के लमसम, 250 के। 250 के जी। तो सर, हम लोग जब आए काफ़ी सारे बच्चे घर जा रहे थे, क्यों? छुट्टी का टाइम हो गया क्या सर? टिफिन दिए थे खाने के लिए। टिफिन दिए थे? कितने बजे टिफिन दिए थे? 12:30 बजे। और खाना आज यहाँ क्यों नहीं बनाया सर? चावल शॉर्ट कर गया जी। तो कब तक में आएगा चावल? बस कल से परसों तक में। कल से परसों तक में जैसे बताया गया है। तो बच्चे, लेकिन बच्चे जो है अपना बैग लेके जा रहे थे घर? छोटा बच्चा। तो बैग लेके क्यों जा रहे हैं सर? आंगनबाड़ी का बच्चा था, छोटा बच्चा तो जाना था ना। प्राइमरी स्कूल का बच्चा नहीं जा रहा? नहीं। तो 200-250 बच्चा जो था प्रेजेंट, वो अभी भी होगा? तो प्रेजेंट नहीं, कुछ बच्चा तो निकले, देखबे ना कि आप तो सामने से बात तो। अच्छा, टिफिन अभी घर गया खाने के लिए? खा के आएंगे। अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी जो स्कूल देखा, वो स्कूल जो है उसमें दो स्कूल है, एक स्कूल और भी है जिसके पीछे हम लोग खड़े हैं। ये स्कूल वहीं पे मर्ज हुआ है, क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये स्कूल ऐसे खाली पड़ा है। देख रहे हैं, एक भी स्टूडेंट यहाँ नहीं है, और यहाँ काफ़ी समय से ये बंद पड़ा है। कुछ समय तक यहाँ पे पढ़ाई चला भी था, और अभी के लिए ये बंद है, इसका जो है उसी में मर्ज कर दिया गया है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे वो स्कूल है, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 किलोमीटर पैदल चल के वो जाते हैं पढ़ने के लिए। सोच सकते हैं, इतने दूर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, ये है करप्शन का हाल। आप लोग देख सकते हैं कैसे स्कूल ऐसे ही पड़ा हुआ है सुना। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण वासी हैं, हम लोग इनसे भी बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बंद पड़ा है आखिर में ये स्कूल। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार मंडल। तो आप यहीं के हैं? जी। तो ये स्कूल क्यों बंद पड़ा है? बंद पड़ा है, पहले जो था कि 2012 में शिक्षक यहाँ बहाल था, 5 साल स्कूल चला। उसके बाद ये मकान नहीं बनने के कारण वो टीचर को समायोजित लक्ष्मीनिया स्कूल में कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये बना? बना। उसके बाद बना, हम लोग हर जगह आवेदन लेके गए, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ बना के ऐसे ही छोड़ दिया गया? दिया गया है, बना के सिर्फ छोड़ दिया गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बीओ साहब को भी दिए, हर चीज जांच भी करवाए, और बीओ साहब भी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। तो बीओ साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो अपने ऊपर कुछ तो सोचिए कि हमारे ही प्रखंड का बच्चा है, हमारे ही गांव का बच्चा है, हमारा ही बच्चा है। थोड़ा सा तो कुछ तो सोचिए अपने माइंड में, क्योंकि यहां से बच्चे उतने 3 किलोमीटर पर पैदल चल के जाते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा सा वो कीजिए और इसको चलाइए, हमारी ओर से यही रिक्वेस्ट है आपके लिए। तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा स्कूल चालू? देखिए, अब सरकार की मर्जी होना तो चाहिए, काहे कि यहाँ से बहुत दूर है लक्ष्मीनिया स्कूल, 3 किलोमीटर। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ठंड में पैदल, लेकिन जाने में कठिनाई होती है। ये बगल में है, लेकिन यहाँ
चलना चाहिए स्कूल। तो यहाँ का जो इस गांव का जो मुखिया है क्या नाम है उनका? विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल, तो आप लोगों ने उनसे नहीं बताया? हर आदमी को ये मालूम है, हर आदमी इसमें परिश्रम किए, लेकिन मुखिया भी मुखिया आपको लगता है कि प्रयास किए होंगे इसमें? जी, जी जी, हम उनके साथ गए थे, फिर भी नहीं हो पाया। फिर भी नहीं हो पाया। अच्छा अंकल, क्या लगता है क्यों नहीं ये स्कूल चालू हो पा रहा है? उतना बात तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बंद पहले चलता था, फिर बंद हो गया, मकान बनने लगा तो बंद हो गया, बंद हो गया तो बंदे हो गया, न मास्टर आता है न कोई आता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं उसी स्कूल में। हाँ लक्ष्मीनिया स्कूल। और यहाँ से पैदल जाता है? उतना तो पैदल जाता है। तो क्या क्या परेशानियाँ आती है बच्चों को? ठंड में पैदल जाता है आता है, मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है कि ठंड में, और ठंड में बच्चे उतने दूर पैदल जाते हैं, सोच सकते हैं। हम लोगों को इतना ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि टेम्परेचर जो है 8-8 डिग्री 10-10 डिग्री तक आ जाता है, और बच्चे इतने दूर से, इतने छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का रूह जो है कांप जाएगा, और सोचिए कि वो बच्चे कैसे जाते होंगे पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना है। फिर भी हमारे स्कूल की ये हालत है कि वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती है, और जहाँ भी बच्चे जाते हैं, हमारे बिहार की स्थिति ये है कि बच्चे जो है स्कूल जाते तो है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ खेलते हैं और खाने के लिए जाते हैं बस, और उनको अटेंडेंस पूरा करना है, उसे 75% अटेंडेंस पूरा करना है, इसीलिए बच्चे जाते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं। अगर उनके मन में रहता भी है कि हमको पढ़ाई के लिए जाना है, तो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर बैठे रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की। और क्या लगता है आपको कि ये सच बात है? जी सही बात है ये। हाँ। लेकिन यहाँ पे कई विभाग को दिया गया, बीओ साहब को दिए गए आवेदन, डीओ साहब को दिए गए, जिला पदाधिकारी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। और इधर जो है मतलब विधायिका बीमा भारती, मतलब हर जगह पे आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या भैया आप क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएंगे, पढ़ाई के नाम पे खेलकूद होता है, और क्या बोलेंगे, पढ़ाई का नाम सिर्फ होता है, पढ़ाई नहीं होता है। चालू ही नहीं तो पढ़ाई क्या होगा? अरे यहाँ तो, चालू न है जहाँ चालू। तो के पाठक, के पाठक जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आप ये जरूर ये प्रयास करेंगे कि ये स्कूल चालू हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्कूल चालू हो, और ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय फुलकिया, और जैसा कि ग्रामवासियों ने बताया कि ये पहले चलती थी, यहाँ पे स्कूल चलती थी, लेकिन क्या हुआ, जब से ये बिल्डिंग बनने लगा तब तक इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, और ये जब बन के रेडी हो गया तो फिर वहाँ से इसको यहाँ वापस नहीं लाया गया। ये स्कूल तभी से ऐसे ही पड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि रूम, यहाँ पे दो रूम है, और दोनों रूम की क्या स्थिति है आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए ये देखिए, इसको इसको नशे के लिए यूज किया जाता है, ये जो है रूम, इसको नशे के लिए यूज किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सिगरेट पड़े हुए हैं, खैनी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है, तंबाकू वगैरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये देखिए दीवाल की दशा, दीवाल की दशा देखिए ये क्या हो गया। और इस स्कूल में कुल 12 लाख राशि लगी है इसको बनाने में। सोचिए कि 12 लाख लगा के ऐसे ही बर्बाद जा रहा है। अगर ये पैसा अगर किसान को मिलता तो वो कुछ कर पाता, वो सुसाइड नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। लेकिन ये देखिए स्कूल की स्थिति, आप लोग दिखाइए, ये देखिए स्कूल की स्थिति। और ये कितने सालों से पढ़ा हुआ भैया? 2012 से चालू हुआ था। नहीं ये बना कब है? बना है लमसम 1500 में बन चुका है स्कूल। मतलब ये 7-8 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बताइए 8 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, 8 साल हो गए और 8 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, 8 साल से, सोच सकते हैं आप, 8 साल से बच्चे इतने दिक्कत में हैं, इतने दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सोच सकते हैं। दिखता है, सिर्फ बोलने को होता है कि बिहार में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन देखिए ये भी है, एक ये गांव है। ये देखिए यहाँ क्या सब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रोहित बिल में बना के ये रोहित लिखा है। और यही होगा ना, बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तब तो यही होगा। और एक ही क्लास खुला था, एक क्लास में भी इसीलिए खोला गया था ताकि बच्चे नशे कर सके,
अच्छे से सेफ तरीके से नशे कर सके ताकि उनको कोई ना देख पाए उनके गार्जियन, तो उसी के तौर पे यूज हो रहा है। और ये देखिए गौठा और यहाँ गोबर है, और ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल ऐसे पड़ा है तो गोबर ही बनेगा स्कूल, जिस तरह से स्कूल गोबर है उसी तरह से गोबर को भी यहाँ अच्छे तरीके से इस स्कूल में यूज किया जा रहा है। तो ये था स्कूल यहाँ का मध्य प्राथमिक विद्यालय फुलकिया, ये जिला पूर्णिया में पड़ता है, ये प्रखंड रुपौली है। स्कूल जो मर्ज हुआ है जहाँ पे, अब हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी हम लोगों ने कुछ देर बनाया वीडियो लेकिन बच्चे लंच के लिए घर गए थे, हम लोग फिर से जाएंगे वहीं बनाएंगे वीडियो, और आप लोग बने रहिए वीडियो में। पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ने वाले को भूख लगता है?